वेलकम बैक दोस्तों, एक नए ब्लॉग में। 2 दिन की छुट्टी है इसीलिए मैं गांव आया हूँ। तो चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने साथ खेत में। हमारे घर से लग के ही खेत चालू होते हैं, तो चलो सैर करते खेत की। जो भी आपको दिखेगा वो दिखाने की कोशिश करूँगा। बस 4-5 घर लग के ही बिल्कुल खेत चालू हो जाते हैं। ये अभी सीमेंट रोड थोड़ा सा है वहाँ तक, फिर वहां से पूरे खेती खेत चालू होते हैं। ये देखो आपको यहाँ से पूरा खेती खेत दिख रहे होंगे, पूरा हरा हरा। ये थोड़ी सी जगह खुली है, बाकी वो जो आगे में थोड़ा कैनल है वो कैनल तक पूरी खेती चावल के खेत लगे हुए हैं। आज से 2 साल पहले यहाँ पे जो उनाड़ी फसल है वो कोई नहीं करता था। ये देखो ये जो घर दिख रहा है ये हमारा घर है। आज से 2 साल पहले यहाँ पे कोई खेती नहीं करता था यहाँ पे, यानी एक फसल लगाते थे, बाकी बाकी पूरा उनाले में पूरा पूरा खाली था। अभी लोगों ने खेत में, किसी ने कुआ लगाया, किसी ने बोर लगाया, तो यहाँ पे अभी खरीफ और रबी ये दोनों फसल निकालते हैं। यहाँ पे पहले हम छोटे थे तो यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे। और यहाँ पे आज से 5 साल पहले यहाँ पे आम की अमराई हुआ करती थी। अभी पूरे पेड़ कटवा दिए आम के, लगभग 20 से 25 पेड़ रहे होंगे आम के। अलग अलग प्रकार के आम थे, यहीं पर थे, ये जो दिख रहे हैं आपको ये पार, वो पूरे इसमें 20 से 25 पेड़ लगे थे आम के। पूरा उनाला हमारा, यानी जो समर वैकेशन है 2-3 महीने पूरा ये अमराई में ही गुजरते थे। पूरे हमारे मोहल्ले के पूरे लड़के यहाँ पे, हम क्रिकेट खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, लगोरी खेलते थे, यानी पूरे के लिए अमराई के नीचे ही खेलते थे। हमारा पूरा उनाला सुबह से लेकर शाम तक के पूरा यही गुजरता था। ये आप देख रहे हैं ये राइस मिल है, और उसके आजू बाजू पूरा हरियाली है, पूरा हरा हरा, पूरी हरियाली है। अच्छा लग रहा है, लेकिन कई सालों बाद मैं इधर खेत की तरफ घूमने आया, नहीं तो टाइम ही नहीं मिलता। गांव में आता हूँ तो बस दोस्तों के साथ इधर उधर घूमो बस। अभी पहली बार है, कई दिनों के बाद मैं इधर आया हूँ घूमने के लिए। अच्छा लग रहा है, आज मस्त शांत वातावरण है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, एक नंबर लग रहा है। ये जो आप देख रहे हैं पलस का पेड़ है, इसमें अभी ये फूल लगे हुए हैं। बचपन में हम इस फूल फूल से हम कलर बनाते थे होली में, और कलर लगाते थे, इसी इसी रंग से खेलते थे हम बचपन में। अभी तो खैर केमिकल वाले कलर आ गए हैं। बस कुछ ही मिनट पर अभी वो कैनल है, कैनल तक जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। कैनल के उस तरफ धम्मा कुटिया है, वहाँ पे भंते जी भी रहते हैं। देखते हैं धम्मा कुटी में भंते जी है अभी या नहीं है, अगर होंगे तो बातें करेंगे थोड़ी देर। बस अभी पूछ के समझ लो, अभी कैनल आ ही रहा है। बचपन में इस कैनल में हम खूब नहाते थे, उनाले में खूब मस्ती की। यहाँ पे बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस कैनल से। बस पहुंच ही गए अभी हम कैनल के पास।
सामने में भंती जी भी खड़े दिख रहे हैं, पता नहीं वो गांव की तरफ जाने की तैयारी में शायद। आपको अभी वीडियो में दिखने को है भंती जी, एक कैनल है और वो भंती जी खड़े हैं वहाँ पे। बहुत ही खराब हालत है कैनल की, कोई साफ सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं बंते जी और धम्म कुटी की तरफ, थोड़ा बात करते हैं। मैंने बंते जी से भी बातें भी कर ली थोड़ी देर, 15-20 मिनट, अच्छा लगा उनसे बातें करके। बंते जी तो निकल गए, अभी मैं दिखा रहा हूँ उनकी धम्म कुटी, बहुत शांत जगह पर है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा धम्मकुटी का एरिया है, अभी तो बन रहा है, ये वर्किंग प्रोग्रेस में है। फिर ये पूरा काम होने के बाद मैं वापस से आपको ले चलूँगा यहाँ पे। ये ऐसा कुछ है, ये जो कार है धम्मक, ये भंती जी की कार है। तो चलो फिर चलते वापसी घर के तरफ। कई दिनों के बाद इधर घूमने आए तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही फ्रेश लग रहा है। दोस्तों यह ब्लॉग यही तक था, आपको छोड़ रहा हूँ मैं इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फोटोज के साथ। गुड बाय।